पहली खबर रायपुर से। डिप्टी सीएम विजय शर्मा रक्षित केंद्र रायपुर स्थित एकलव्य शूटिंग केंद्र व सशस्त्र प्रशिक्षण केंद्र में छत्तीसगढ़ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के लिए आयोजित एकलव्य शूटिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया, जिसमें राज्य के आईएएस आईपीएस और आईएफएस सहित पुलिस के अधिकारी और जवान 130 लोग इस अवसर पर एयर राइफल एयर पिस्टल प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह प्रतियोगिता एक नवाचार और अभ्यास है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से भविष्य में बड़े आयोजन हम जरूर मेडल जीतकर आएंगे। उन्होंने कहा कि टारगेट शूटिंग न केवल आपको सक्रिय रखने के लिए एक शानदार खेल है, बल्कि आत्मसम्मान आत्मविश्वास भी पैदा करता है। शूटिंग खेल को अपनाने से कई शारीरिक लाभ होते हैं और शक्ति संतुलन हाथों में होती है, आंख सहित कई लाभ मिलते हैं। इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक रायपुर अमरेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह सहित पुलिस व प्रतिभागी अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। शुभारंभ हुआ, आपने बधाई दी थी, इस तरीके से इन चीज़ों को बहुत ही शानदार है और ये लक्ष्य आज रखा गया है कि आने वाले 2 सालों में प्रयास करके अभ्यास करके विभाग के साथियों के द्वारा जो नेशनल लेवल पर कंपटीशन होता है उसमें मेडल हम जीत कर लाएंगे और उसके लिए अभ्यास शुरू किया है। तो मैं सारे स्टाफ को, हमारे एसपी साहब को, हमारे आईजी साहब को और सारे लोगों को जिन्होंने इसकी शुरुआत की है, उनको शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने लक्ष्य में सफल हो। आने वाले 2 वर्षों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को मेडल इसके जरूर मिलना चाहिए। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।